3, 2, 1. अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारा नया नोटिफिकेशन मिल सके। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में 5 टिप्स बताने वाला हूं मैं, जिससे आपके पैरट्स जल्द अज जल्द इंशाल्लाह अंडे देंगे और उनसे बच्चे निकालेंगे। और मेरे दोस्तों, एक बात आप याद रखें, जब आपके पैरट अंडे देना शुरू कर देते हैं, ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, फिर उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जो फर्स्ट टिप आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें यह है कि आपने अपने पैरट्स के केज का ख़ास ख्याल रखना है। जब आप किसी भी शॉप से पैरट्स को लेके आए तो उन्हें केज में जब छोड़ें तो दोबारा उस केज को ना हिलाएं, क्योंकि जब आप केज को हिलाते हैं तो पैरट्स बहुत से डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर 2 से 3 मंथ ले लेते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो दोस्तों, दूसरी टिप जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें यह है कि आपने उनके इन्वायरमेंट का ख़ास ख्याल रखना है। आप जब पैरट्स को लाएँ और देखें कि पहले जिस शॉप से आप ला रहे हैं वहाँ इन्वायरमेंट कैसा था, पैरट कैसे खुश थे। अगर तो वो वैसे ही खुश हैं कि वो खुराक खा के जाके टहनी पर बैठ जाते हैं, यानी जो आपने लगाई हुई है स्टिक, ऐसा है तो फिर उनका इन्वायरमेंट आपको अच्छा करना होगा। तो अगर पैरट्स उसमें यानी फ्लाइंग कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, तो फिर वो ठीक है। प्राइवेसी की बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, आपने पैरट्स को प्राइवेसी ज़रूर प्रोवाइड करनी है। इसके बगैर आपके पैरट्स जो हैं वो एग नहीं दे सकते, ये बात आप याद रखें। और दूसरी बात जो 4th टिप है वो ये है कि आपने जो मटकी है वो अपने पैरट्स का जो आपने केज बनाया हुआ है उसके हाइट पर लगानी है, और उसके आगे एक आपने टहनी टाइप जो है कि पैरट्स वहाँ बैठे और वो मटकी में झांक सके, इस तरह करके आपने उसकी सेटिंग करनी है। और जो 5th टिप है वो ये है कि आपने उनकी खुराक का ख़ास ख्याल रखना है। और ख़ुराक के रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे इसी चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपने हमारी वीडियो को वॉच किया, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।